आपको दिखाते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। बीजेपी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, आपको जानकारी देते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए करीब 40 प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगा दी गई है। मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी ने 40 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं, ये बड़ी खबर है। केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई कल, इसी बैठक में ये नाम तय किए गए। और खास बात यह है कि कमजोर प्रदर्शन वाली जो विधानसभा सीटें हैं, पहले उन सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर फैसला लिया गया है। बीजेपी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए 40 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं, नामों पर मोहर लगा दी गई है। मध्य प्रदेश के लिए ये 40 उम्मीदवार जिनके नाम तय किए गए हैं, ये वो सीटें हैं खासतौर से जहां बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, नीरज पांडे और ब्रजेश राजपूत। मैं सबसे पहले आपको नीरज पांडे के पास लेकर चलूंगी। नीरज, ये रणनीति में यहां पर सीधे सीधे एक बदलाव देखने के लिए मिल रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होता नहीं है, उससे पहले ही केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी बैठक कर लेती है। और लीजिए, इस बैठक में 40 उम्मीदवारों का नाम भी तय है, वो भी उन सीटों के लिए जो बीजेपी के लिए परेशानी बनती आई है। नीरज, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये पहली बार परंपरा शुरू की है कि ऐसी सीटें जो डी ग्रेड में हैं, यानी जिन सीटों को कभी वो या तो जीत नहीं पाए हैं या पिछले चुनाव में हार गए हैं, उन सीटों पर अभी भी उनके पास बड़ी समस्याएं हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नई रणनीति अपनाई है कि उन सीटों पर चर्चा की और सीटों के नाम की नाम तय कर लिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक करेक्शन करूँगा कि अभी फिलहाल नाम की घोषणा होने में थोड़ा समय है, क्योंकि पार्टी का ये मत है कि अभी इनके नामों की घोषणा ना करके बल्कि उनको इंटरनल इन्फॉर्मेशन दे दी जाए ताकि वो अपनी तैयारियों में जुट जाएं। पार्टी के पदाधिकारी उनको ये बता दें कि आपको इस चुनाव से इस सीट से चुनाव लड़ना है तो आप अपनी उस लेवल पर तैयारी शुरू कीजिए कि आप यहाँ से विधानसभा के उम्मीदवार हैं। ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है जो नीरज पांडे दे रहे हैं कि नामों पर मोहर लगा ली गई है, नाम तय कर लिए गए हैं, लेकिन इन नामों को सार्वजनिक ऐलान पार्टी की तरफ से नहीं किया जाएगा। ये पूरी कवायद जो है वो सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि उम्मीदवार जो है वो अपनी तैयारियों में जुट जाए पूरे मन से। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।